आज हम बनाएंगे गाजर चुकंदर का कांजी का पानी, जिसके लिए मैंने चुकंदर को इस तरीके से लंबे टुकड़ों में काट लिया है और ये गाजर को भी हमने ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लिया। तो ये तो हम रखेंगे एक तरफ। इसका एक प्रीमिक्स तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है पीली सरसों आधा कटोरी, आधा कटोरी राई, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, काला नमक, रेगुलर सफेद नमक और 1 छोटी चम्मच हींग। इन सभी को हम एक साथ मिला लेंगे। इनको मैंने दोनों को दरदरा कूट लिया था, पीली राई को और लाल वाली राई को। अब हम इन सबको एक बर्तन में मिला लेंगे। इन सभी को, राई को दोनों को दरदरा ही कूटना है। फ्रेंड्स, जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है, तो खाने पीने में काफी चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए ये बना के पिए तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडा भी होता है। ये डालिया हमने 1 चम्मच हींग। अब इन सभी को हम मिला लेंगे और इसे बना के रख लेंगे। जब चाहे जब कांजी का पानी तैयार हो सकता है। इसे बनने के लिए इसको 2 दिन लगते हैं, 2 दिन में कांजी का पानी तैयार हो जाता है। देखिए, ये हमारा प्रीमिक्स बन के तैयार है। अब एक तरफ हमने पानी को गर्म करके ठंडा कर लिया था। ये पानी मिट्टी के बर्तन में बनाओ तो बहुत टेस्टी और महकदार बनता है। अच्छी मिट्टी की सौंधी सौंधी महक आती है। आप इसे कांच के बर्तन में भी बना सकते हैं, सिर्फ स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन में हम इस पानी को नहीं बना सकते। तो आप पे कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का जैसा भी बर्तन हो, आप उसमें इस कांजी के पानी को बना सकते हैं। चुकंदर मैंने सब इसमें डाल दिए और गाजर भी इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 4 छोटी चम्मच ये पाउडर जो हमने प्रीमिक्स बना के रखा है, और ये पानी जो हमने उबाल के ठंडा कर लिया है, इस पानी को हम इसमें डाल देंगे। ना तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडा, मीडियम गर्म पानी को। इस तरीके से इसे बना के और इसको कपड़े से बांध कर रखेंगे। ये वाइट कपड़ा है, इसे बांध के जिससे इसमें थोड़ी हवा भी जाती रहे, रबड़ लगा देंगे। उसे 2 दिन तेज धूप में रखेंगे। ये 48 घंटे में बिल्कुल तैयार हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 दिन पहले जो हमने कांजी का पानी डाला था, गाजर और चुकंदर वाला, वो हमारा बन के रेडी है। देखिए, बहुत ही अच्छा और टेस्टी पानी बना है। अभी हम इसमें छौंक लगाएंगे, जिसके लिए मैंने ये एक चमचा लिया है। इसमें मैं डालूंगी सरसों का थोड़ा सा तेल, ये पका हुआ तेल है। तेल गरम हो गया हमारा, इसमें हम लेंगे थोड़ी सी जीरा और राई और इसका एक ये लगा देंगे धुआंदार। देखिए फ्रेंड्स, इसको खाने से पहले अगर आप पी लेते हैं तो खाना बिल्कुल पच जाता है और पेट को भी ठंडक देता है। और ये इतना टेस्टी और हाजमे वाला पानी होता है कि जो भी पिए वही आपकी तारीफ करे। तो एक बार ऐसे बनाना बनता है। और इसकी गाजर को आप इसके साथ खाएं तो ठीक है, नहीं खाएं तो ये बाद में अचार और सलाद के रूप में भी खाई जा सकती है। आप बनाइए और बताइए आपका पानी कैसा बना। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय राशि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे जी, धन्यवाद। लाइक